प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन हम लोग करा गया था लेसन 4.3 का 4 नंबर, तो उसको देख लेते हैं। तो इसमें है कि दो बिंदु का नियामक दिया हुआ है ए और बी का, और हमको ए बी रेखा का समीकरण निकालना है। तो हम लोग ए बी रेखा पर कोई तीसरा बिंदु सी ले लेते हैं, इसका नियामक एक्स और वाई। फिर समझिए एक बार प्रश्न, दो बिंदु ए और बी दिया हुआ है, इसका नियामक भी दिया हुआ है, हमको ए बी रेखा का समीकरण निकालना है। हम लोग ए बी रेखा पर एक तीसरा बिंदु सी ले लेते हैं जिसका नियामक एक्स और वाई है। तो अब तीनों बिंदु चूंकि एक रेखा पर हो गया, ये तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होगा। बस हम त्रिभुज क्षेत्रफल जीरो करेंगे तो हमको समीकरण आ जाएगा। देखिए प्रश्न से या प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू जीरो। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का, तो हाफ वन 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 एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसमें मान बैठा देते हैं, तो कोई बिंदु हम x1 y1 x2 y2 कुछ भी ले सकते हैं। ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, अब तीनों का मान बैठा दीजिए। हाफ वन 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 x1 का मान वन, x2 का x और x3 का थ्री, वन एक्स थ्री, वाई वन का मान टू, वाई टू का वाई और वाई थ्री का सिक्स, टू वाई सिक्स इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग सरल कर लेंगे तो हमको ए बी रेखा का समीकरण निकल जाएगा। तो ये टू से जीरो में गुना हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रथम कॉलम को लेकर सॉल्व करते हैं, हम लोग सब जानते हैं इसका चिन्ह होता है प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस। तो पहले वन लेंगे, तो वन का रो कॉलम खत्म, ये बचेगा एक्स वाई थ्री सिक्स। उसके बाद दूसरा वन लेंगे, इसका चिन्ह माइनस, इसका रो और कॉलम खत्म, बचे वन टू थ्री सिक्स। इसका तीसरा वन लेंगे, इसका चिन्ह प्लस, रो और कॉलम कैंसिल, तो वन टू एक्स वाई, और ये जो बटे दो है इससे हम लोग जीरो में गुना कर देते हैं। अब हम लोग को आ गया एक्स गुना सिक्स करेंगे, पहले ये दोनों गुना फिर माइनस देके ये दोनों गुना, एक्स गुना सिक्स सिक्स एक्स, फिर वाई गुना थ्री 3y। इसमें देखते हैं 1 गुना 6 6 माइनस 2 गुना 3 6, दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें देखते हैं 1 गुना y y, 2 गुना x 2x इक्वल 0। अब क्या क्या बच गया हम लोग का, 6x है और यहाँ माइनस 2x है, तो 6x में 2x घटा देंगे, 4x, 3y है प्लस वाई, थ्री वाई में एक वाई, फिर तो टू वाई इक्वल टू जीरो। अब यहां थोड़ा सा देख लेते हैं, दोनों से टू कॉमन आ जाएगा, टू कॉमन कर ले, यहां बचेगा हम लोग का टू एक्स माइनस वाई जीरो, टू से जीरो में भाग दे दीजिए, टू एक्स माइनस वाई जीरो बाई टू, इसलिए टू एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब इसी तरह से 4 का 2 नंबर आप लोग बना लें।